अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस कर दें। एक भोजपुरी गाने की कॉपी जिसे एक दो दफा नहीं बल्कि 8 मर्तबा कॉपी किया गया। गाना मुन्नी बदनाम हुई, हमेशा लोग यही समझते रहते हैं कि ये गाना ओरिजिनल है और कुछ लोग ये समझते हैं कि इस गाने को पाकिस्तानी गाना लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए से कॉपी किया गया है, मगर दोनों बातें ही पूरी तरह से गलत हैं। लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए। ये ओरिजिनल गाना सबसे पहले 19 सितंबर 1983 को रजिया बेगम ने भोजपुरी जबान में गाया। फिर ठीक एक साल बाद इस ओरिजिनल गाने को 10th जुलाई 1984 में कॉपी करके फिल्म कुंवारी बहू में शामिल किया गया, जिसे आशा भोसले ने गाया। फिर ठीक 9 साल बाद इस गाने को पाकिस्तानी फिल्म मिस्टर चार्ली में शामिल किया गया, जो कि 1993 में रिलीज हुई थी, और इस गाने को पाकिस्तानी लेजेंड उमर शरीफ ने गाया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस से बाखबर रह सकें। एंड आफ्टर 2 years इन 1995 इस गाने को एक मर्तबा फिर से कॉपी करके इंडियन फिल्म रॉक डांसर में शामिल किया गया, जिसे बप्पी लहरी और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया। ठीक इसके 2 साल बाद एक बार फिर इस गाने के बोल तब्दील करके फिल्म कौन रोकेगा मुझे में शामिल किया गया, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी, और इस बार इस गाने को शैलेंद्रा सिंह ने गाया। फिर इसके अगले ही साल 1998 में इस गाने को एक बार फिर भोजपुरी सिंगर रानी बाला ने गाया, और अगेन इस फोक सॉन्ग को एल्बम बलमा बड़ा बवाली में शामिल किया गया। लेट्स मूव टू द ब्लॉकबस्टर बट कॉपीड सॉन्ग। जी हाँ, बिलाखिर इस गाने को एक मर्तबा फिर 12 साल बाद कॉपी करके फिल्म दबंग में 2010 में शामिल किया गया। एंड आफ्टर सम टाइम्स मुन्नी बदनाम हुई का भोजपुरी वर्जन भी मार्केट में आ गया। फाइनली आफ्टर 9 years ऑफ मुन्नी बदनाम हुई, मुन्ना भी बिलाखिर बदनाम हो ही गया। एंड नाउ लास्ट बट आई थिंक नॉट लीस्ट, जी हाँ 20th दिसंबर 2019 को दबंग 3 मूवी रिलीज हुई, और इस गाने को एक मर्तबा फिर से नए अंदाज में कॉपी किया गया। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही कमेंट करके फ्रेंडली सजेशंस जरूर दीजिएगा। हम आज बात करेंगे शेखर सुमन और सुधा चंद्रन के ऐसे गाने के बारे में जिसे पाकिस्तान की सुपरहिट पंजाबी फिल्म से कॉपी करके इंडियन फिल्म में शामिल किया गया। शेखर सुमन इंडियन फिल्म एक्टर, एंकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सिंगर, यानी कि एक मल्टी टैलेंटेड इंसान, मगर बदकिस्मती से इनका फिल्मी कैरियर कुछ खास नहीं रहा। रमोला सिकंद के टाइटल से मशहूर होने वाली सुधा चंद्रन इंडियन फिल्म एक्ट्रेस और डांसर, जिसने 18 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में अपनी टांग गवा दी। सुधा चंद्रन ने 20 साल की उम्र में अपने इस इंसिडेंट पर बनने वाली तेलुगु फिल्म मयूरी में काम किया, जो कि कामयाब भी रही। फिर 2 साल बाद इसी तेलुगु फिल्म का रीमेक करके फिल्म नाचे मयूरी बनाई गई, जो कि कामयाब भी रही, मगर बदकिस्मती से इनका फिल्मी कैरियर भी कुछ खास नहीं रहा। हमने इससे पहले भी
कई दफा बहुत से गानों को हाईलाइट किया है जिन्हें या तो इंडिया ने कॉपी किया है या फिर वो पाकिस्तानी गाने खुद कॉपीड हैं। उन पुरानी वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करना मत भूलिएगा। पहले ओरिजिनल गाने की तरफ चलते हैं जो कि सुपरहिट पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म नौकर ते मालिक का है। गाने को मैडम नूरजहां ने गाया था। मुमताज और अली इजाज की ये फिल्म 2 अप्रैल 1982 को रिलीज हुई थी। इस पाकिस्तानी पंजाबी गाने को इंडियन फिल्म जान पहचान में कॉपी करके शामिल किया गया जिसे अनुराधा पोडवाल ने गाया था और गाने का म्यूजिक इकबाल गिल ने दिया था। ये इंडियन फिल्म पाकिस्तानी फिल्म के 9 साल बाद यानी 20th जुलाई 1991 में रिलीज हुई थी और बदकिस्मती से बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह नाकाम रही थी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस।